हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारे जो एक्सरसाइज है वो 6.2 है और 6.2 है डिफरेंशिएबिलिटी। और इसमें फर्स्ट इक्वेशन है कि एफ एक्स बराबर एक्स है वो सभी फलों के लिए क्या है, एक्स प्रत्येक मान के लिए अवकल्य है, यानी कि यहाँ पे जो लिमिट है वो दी नहीं है, तो हम उस लिमिट को मान लेते हैं। माना एक्स इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू आर, आर क्या है, एक रियल संख्या है, ए रियल संख्या है, ए क्या है यहाँ पे एक रियल पार्ट है, कोई भी ए का मतलब कुछ भी यहाँ पे लिमिट हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, पांच हो सकती है, तो ए बिलोंग्स टू आर, आर एक ए जो है वो एक रियल संख्या है। तो देखिए मैंने कल बताया था आपको कि इसमें क्या चीज निकालनी है, आर एम डैस ए निकाल लेते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच एल एम डैस ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो देखिए जो हमने कंटिन्यूटी में सीखा है वही चीज यहाँ पे निकालेंगे। देखिए पहले तो फलन का मान निकाल लेता हूँ ए पर, तो एफ ए बराबर क्या आ जाएगा, ए फलन का मान आ जाएगा। अब फलन की दाई सीमा लेंगे तो एफ ए प्लस जीरो निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए प्लस जीरो लिखेंगे तो ए प्लस जीरो बराबर क्या आ जाएगा, एक्स की जगह ए प्लस ए आ जाएगा यहाँ पे रखेंगे, और एफ ए माइनस जीरो रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देखिए इसकी राइट हैंड लिमिट आर एफ डैश ए, ए का मतलब इसकी जो लिमिट है वो है ए, ए की जगह दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ए की लिमिट वो यहाँ पे रखी जाएगी। इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, एफ ए प्लस एच करो भाई, यहाँ पे ए प्लस एच बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस एच, ए माइनस एच करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस एच अपॉन एच, यह आ जाएगा। देखिए लिमिट एच टच टू जीरो एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच यहाँ पर रखूंगा, ए प्लस एच करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस एच आ जाएगा। एफ ए प्लस एच की वैल्यू मेरे पास में क्या है, ए प्लस एच माइनस एफ ए फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का मान ये एफ ए बराबर क्या आ गया, ए अपॉन एच। तो देखिए एच से ए कट गया तो ये आ गया लिमिट एच टच टू जीरो एच अपॉन एच बराबर क्या आ गया, वन, एच को एच काटने का क्या आ जाएगा, वन, यानी कि आर एफ डैस ए क्या आ जाएगा मेरे पास में, वन आ जाएगा। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं एल एफ डैश ए बराबर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। देखिए लेफ्ट हैंड निकाल रहा हूं तो माइनस आता है, राइट हैंड निकाल रहा हूं तो यहां पे प्लस आता है, ये दोनों में सेम रहेगा, माइनस एफ ए अपॉन, अगर लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो माइनस नीचे एच आएगा, इसमें पॉजिटिव रहता है एच। तो देखिए एल एफ डैश ए बराबर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए माइनस एच माइनस एफ ए, ए अपॉन माइनस एच, ए से ए कट गया तो यह आ जाएगा एल एफ डैश ए लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच अपॉन माइनस एच बराबर वन, यानी कि आर एफ डैश ए इक्वल्स टू एल एफ डैश ए इक्वल्स टू वन। चलो ये लगाओ या नहीं लगाओ, आर एफ डैश ए बराबर एल एफ डैश ए, तो यानी कि एक्स इक्वल्स टू ए पर फलन अवकलनीय है, क्या है, x इक्वल टू a पर फलन कैसा है, अवकलनीय, यानी कि x इक्वल टू a पर क्या है, अवकलनीय। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a,
यानी कि x इक्वल्स टू a पर तुम्हारी कैसा है डिफरेंशिएबिलिटी है, यानी कि x इक्वल्स टू a पर फलन अवकलनीय है तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू a। तो देखिए हर सवाल में ऐसे निकालना है इसको, फर्स्ट में सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट में सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट देखिए भाई इसका, एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको सी, तो मैंने मान लिया x इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू r, a कोई वास्तविक संख्या है, एक रियल संख्या है। तो देखिए फलन का मान निकाल लें तो f a बराबर क्या आ जाएगा c, f a प्लस h क्या आ जाएगा c, f a माइनस h भी क्या आ जाएगा c। x की जगह a प्लस h रखेंगे इधर c है तो c आ जाएगा, a माइनस एच रखेंगे तो ये इधर सी है तो सी आ जाएगा। अब देखिए आर एफ डैस ए बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे a माना, आप b भी मान सकते हो, c भी मान सकते हो, d भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो यहाँ पे, लेकिन वो होने क्या चाहिए रियल संख्या होनी चाहिए। लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये फॉर्मूला आता है भाई ध्यान रखना डिफरेंशिएबिलिटी का, एफ ए प्लस एच का मान मेरे पास में क्या आ गया सी, माइनस एफ ए का मान भी क्या आ गया सी अपॉन एच। तो देखिए सी माइनस सी क्या हो जाएगा जीरो, सी माइनस सी क्या हो जाएगा जीरो। इसी प्रकार क्या निकालते हैं एल एफ डैश ए बराबर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो देखिए लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच का मान आ गया सी, इसका मान भी क्या आ गया सी अपॉन माइनस एच, सी माइनस सी जीरो। तो एक्स इक्वल्स टू ए पर फलन कैसा है हमारा अवकलनीय है, यानी कि क्या हो जाएगा आर एफ डैस ए बराबर एल एफ डैस ए, तो एक्स इक्वल्स टू ए पर फलन अवकलनीय है। The function is differentiability at x equals to a. Function is differentiability at x equals to a. इसका तीसरा पॉइंट है देखिए, एफ एक्स बराबर तीसरा पॉइंट e की पावर x, तो x इक्वल्स टू मैंने लिमिट मान ली x बिलोंग्स टू r, x इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू r। तो देखिए फलन की वैल्यू निकाले, फंक्शन का मान निकाले a पर, तो ये आ जाएगा f a बराबर क्या आ जाएगा e की पावर a, एफ ए प्लस एच निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा ई की पावर ए प्लस एच, या इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर ए इंटू ई की पावर एच। एफ ए माइनस एच निकालेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर ए माइनस एच, तो ई की पावर ए इंटू ई की पावर माइनस एच। देखिए ए रखेंगे तो ई की पावर क्या आ जाएगी, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई इसकी, ये इसकी आर एच एल आ जाएगी कंटिन्यूस से। एफ ए प्लस एच रखेंगे यहाँ पर रखेंगे क्योंकि लिमिट हमारे पास में ए ली है, तो ए प्लस एच a प्लस एच को लिख दिया e की पावर a इंटू e की पावर h, f a माइनस एच रखा तो e की पावर a माइनस एच इसमें रखना है, तो e की पावर a इंटू e की पावर माइनस एच, तो तीनों चीज मेरे पास में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ r f डैश a निकालता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a प्लस h, a प्लस एच का मान क्या है e की पावर a इंटू e की पावर h माइनस एफ ए का मान e की पावर a अपॉन h, ठीक है भाई। तो देखिए ये आ जाएगा लिमिट
एच टच टू जीरो, e की पावर a कॉमन आ जाएगा, तो e की पावर h माइनस वन अपॉन h। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, क्या पढ़ा था, लिमिट x टच टू जीरो, क्या पढ़ा था, लिमिट x टच टू जीरो हो e की पावर x माइनस वन अपॉन x बराबर क्या होता है, वन होता है। 11th क्लास में फॉर्मूला बना था लिमिट x टच टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन x बराबर क्या हो जाएगा, वन के बराबर। तो ये चीज तो क्या हो जाएगी मेरे पास में, वन, क्योंकि लिमिट x टच टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन x ये किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। लिमिट x टच टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन x बराबर क्या आ जाएगा, वन। यहां से क्या बचेगा, e की पावर a r m डैश a बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर a, क्योंकि e की पावर x माइनस वन अपॉन x बराबर क्या हो जाएगा, वन के बराबर। या फिर यहां से आप e की पावर x का फॉर्मूला कौन दो, e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x बराबर 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट, या e की पावर x का फॉर्मूला लगा दो यहां से। या आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला लिमिट x टच टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर क्या होता है, 1। तो यहां से ये तो बन गया 1, यहां से क्या बचेगा, e की पावर a। अब मैं दिखा देता हूं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए इसकी, लिमिट x टच टू 0 e की पावर f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h, f a माइनस h का मान आ गया ये e की पावर a इनटू e की पावर माइनस h माइनस e की पावर a अपॉन माइनस h, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर a कॉमन e की पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। तो देखिए e की पावर माइनस एच है, तो यहाँ भी क्या है, माइनस एच है, इसका मतलब ये भी किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा, मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको। तो ये आ जाएगा यहाँ से क्या, e की पावर a, तो r f डैश a बराबर क्या हो जाएगा, l f डैश a, तो x इक्वल टू a पर फलन कैसा है, अवकलनीय है, कैसा है, अवकलनीय है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सॉरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a, फंक्शन इज डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू a। अब देखिए फोर्थ पॉइंट इसका, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इस पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि ये है कि नहीं है, लेट कर लेते हैं इसको। तो एक्स इक्वल्स टू, मान लिया मैंने आपकी बात, सी बिलोंग्स टू आर, ए मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, कुछ भी मान लो, कोई भी एक वो, देखिए मानने वाली संख्या कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। तो देखिए मैं यहां से फंक्शन का मान निकालता हूं, एफ सी x की जगह f x बराबर sin x, तो f c बराबर क्या हो जाएगा, sin c, f c plus h करता हूं तो ये हो जाएगा sin c plus h, f c minus h sin c minus h हो जाएगा, ठीक है, f c रखा sin c आ गया, c plus h रखेंगे x की जगह तो c plus h आ जाएगा, c माइनस x की जगह c माइनस h रखेंगे तो sin c माइनस h आ जाएगा। अब निकालेंगे हम r डैश c, यानी कि अब की बार लिमिट हमारे पास में क्या है, c है, तो यहां पे क्या रखेंगे, c, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस f c अपॉन h, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, एफ सी प्लस एच का मान आ गया साइन सी प्लस एच माइनस एफ सी साइन सी अपॉन एच, ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई,
साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये बन गया साइन एक्स माइनस साइन वाई। साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है? टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन सॉरी टू कॉस सी प्लस एच साइन एक्स प्लस वाई, ये पूरा एक्स है ये इसका वाई है, तो सी प्लस एच प्लस सी अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई, तो सी प्लस एच माइनस सी अपॉन टू डिवाइड बाई एच। समझ आ गया भैया? साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। इसका एक्स पूरा ये है, वाई इसका ये, तो टू कॉस एक्स इसका क्या है? सी प्लस एच, वाई क्या है इसका? प्लस सी अपॉन टू साइन सी प्लस एच माइनस सी माइनस वाई, वाई क्या है? सी माइनस सी अपॉन टू। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये लिमिट एस टेंस टू जीरो टू कॉस 2c प्लस अपॉन 2 साइन c से c कट जाएगा h अपॉन 2 अपॉन h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 टू कॉस c प्लस h बाई 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो c प्लस h बाई 2 हो जाएगा साइन एच बाई टू अपॉन एच। ठीक है भाई, अब देखिए यहां से फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या होता है? वन। यानी कि यहां पर जो एंगल होता है वही एंगल नीचे होता है इसका, साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या होता है? वन। तो यहां पर क्या है? साइन एच अपॉन टू है, h अपॉन टू है, क्या है? h अपॉन टू। तो h अपॉन टू है तो h तो मेरे पास में आ गया, लेकिन मेरे को क्या और चाहिए? टू और चाहिए। तो मैं क्या कर दूं? दो से गुणा दो से भाग कर दिया, तो इस टू से ये टू कट गया। तो लिमिट h टेंस टू जीरो कॉस c प्लस h अपॉन टू साइन h अपॉन टू अपॉन h अपॉन टू, ये बन गया साइन एच अपॉन टू एच अपॉन टू। यानी कि साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या हो गया? ये तो क्या बन गया मेरे पास में? वन बन गया। इसकी वैल्यू क्या बढ़ जाएगी? एक हो गई। तो यहां से मैं अगर लिमिट रखूंगा तो क्या आ जाएगा? देखिए कॉस क्या बन गया? एच अपॉन टू, एच की जगह मैं लिमिट रखूंगा जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? कॉस सी। यानी कि मेरे पास में राइट हैंड लिमिट जो आई मेरे पास में क्या आई? कॉस सी। अब मैं क्या निकालूंगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा इसकी। क्या निकालूंगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी। अब तो एल एफ डैश सी बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। देखिए यह आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो सी माइनस एच, सी माइनस एच साइन सी माइनस एच माइनस साइन सी अपॉन माइनस एच। तो दोबारा वही फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स माइनस साइन वाई का तो टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कॉस सी माइनस एच प्लस सी अपॉन टू और साइन सी माइनस एच माइनस सी अपॉन टू माइनस एच। याद रहेगा देखिए लिमिट एस टेंस टू जीरो सी से
देखिए याद रहेगा 2 cos 2c माइनस एच अपॉन टू, 2c माइनस एच अपॉन टू साइन, सी से सी कट जाएगा यहां से तो माइनस का एच बाई टू, ठीक है भाई, अपॉन माइनस का एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, 2 cos c माइनस एच बाई टू, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो यहां से c माइनस एच बाई टू, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये एच अपॉन टू है यहाँ पे, ये क्या है एच अपॉन टू, तो ये साइन थीटा बटे थीटा बनाऊंगा तो यहां भी मेरे को क्या चाहिए एच अपॉन टू, तो ये आ जाएगा देखिए 2 से गुणा करूंगा इसको मैं और 2 से डिवाइड, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो cos c माइनस एच अपॉन टू और साइन एच अपॉन टू अपॉन एच अपॉन टू, ये तो हो गया 1, साइन एच अपॉन टू, एच अपॉन टू क्या बन गया 1 बन गया, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, एक्स की जगह हमारे पास में एच है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ से क्या बचेगा अब लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा cos c एच अपॉन टू, ये क्या हो जाएगा 0। तो देखिए आर एफ डैश और एल एफ डैश दोनों क्या आ गई बराबर आ गई, यानी कि आर एम डैश सी बराबर क्या आ गई एल एफ डैश सी, तो एक्स इक्वल्स टू सी पर फलन कैसा है अवकलनीय है, फलन कैसा है अवकलनीय है, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू सी। रियल तार का फर्स्ट से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखिए सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स का मोड बिंदु एफ इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय है नहीं है, ये चेक करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है एफ एक्स बराबर एक्स का मोड, देखिए एफ एक्स बराबर एक्स का मोड है तो इसको हम मापांक रहित करेंगे तो ये क्या लेंगे माइनस का एक्स, एक्स लेस देन जीरो इफ, और प्लस का एक्स, एक्स ग्रेटर इक्वल क्या हो जाए जीरो। मैंने बताया पीछे ये एक्स का मापांक कर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो। तो देखिए हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट और राइट दोनों निकालेंगे, तो फलन का मान किस पर निकलेगा पहले तो ये बता दो मेरे को, फलन का मान लेस देन इक्वल या ग्रेटर इक्वल पर निकलेगा, तो फलन का मान कहां से आ जाएगा यहां से एफ एक्स बराबर एक्स और एक्स इक्वल टू जीरो पर निकालना है तो एफ जीरो बराबर क्या आ जाएगा जीरो एक, ठीक है। अब मेरे को दाई और बाई निकालनी, तो मैं दाई निकालता हूं तो एफ जीरो प्लस एच निकालूंगा, तो दाई तो मेरे पास में यही होगी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी क्योंकि बड़ी होगी राइट हैंड लिमिट, तो इसमें आ जाएगी एफ जीरो प्लस एच बराबर क्या आ जाएगा जीरो प्लस एच आ जाएगा, क्योंकि जीरो कहां से आएगा जीरो प्लस एच, क्योंकि लिमिट क्या हमारे पास में एक्स की जगह क्या लगती है मैंने लिमिट जीरो प्लस एच, एफ जीरो माइनस एच क्या आ जाएगी मेरे पास में जीरो माइनस एच। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है इसकी, तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे तो आर एफ डैश जीरो बराबर आ जाएगी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच
a की जगह हमारे पास में जीरो आ गया, h माइनस a की जगह जीरो अपॉन h, तो देखिए r f डैश जीरो बराबर आ जाएगा लिमिट h का रिस्टू जीरो, f जीरो प्लस h, f जीरो प्लस h बराबर क्या आ गया h माइनस f जीरो बराबर क्या है जीरो अपॉन h, यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो h अपॉन h बराबर क्या आ गया वन, बराबर क्या आ गया वन आ गया। अब देखिए इसकी एल एफ डैश निकालेंगे, एल एफ डैश जीरो बराबर क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस h माइनस f जीरो अपॉन माइनस h, यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस h, जीरो माइनस h का मान क्या आ गया माइनस h माइनस जीरो, एफ जीरो का मान क्या है जीरो, जीरो का मान जीरो नहीं देंगे माइनस एच, ये भी इससे कट गया वन, वही तो डिफरेंशिएबिलिटी आ रहा है, देखो क्या आ रहा है डिफरेंशिएबिलिटी आ रहा है। देखिए भाई यहां गड़बड़ कर दिया हमने, जब मैं जीरो माइनस एच निकालूंगा तो इस पे निकालूंगा तो ऑलरेडी बाहर क्या है माइनस, तो यह आ जाएगा प्लस का एच, ये आ गया प्लस का एच, एच अपॉन माइनस एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का वन, क्या आ जाएगा माइनस का वन, तो देखिए आर एफ डैश जीरो नॉट इक्व टू एल एफ डैश जीरो एक्स इक्व टू जीरो पर फलन अवकलनीय नहीं है, क्या है नहीं है। तो देखिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, बात समझ में आ गई भाई। ये मैं कैसे निकालता हूँ पता लगा भैया आपको, देखिए मैं पहले फलन का मान निकालता हूँ, कंटिन्यूस में हमने क्या किया था फलन का मान निकाला तो हमेशा किस पर निकलेगा ग्रेटर इक्वल पर या लेस देन इक्वल पर, तो हमारे पास में क्या है ग्रेटर इक्वल जीरो, तो देखिए एफ एक्स बराबर एक्स आ गया तो लिमिट हमारे पास में जीरो है, तो f जीरो बराबर जीरो, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा देखिए f x मैं दाई सीमा निकालता हूँ, दाई सीमा किस पर यानी कि राइट हैंड लिमिट किस पर आएगी, किस पर आएगी, तो देखिए f x बराबर क्या है x है, इसमें क्या जोड़ेंगे h जोड़ेंगे x plus h, अब x की जगह क्या रखेंगे लिमिट रखेंगे जीरो प्लस h बराबर जीरो प्लस h, तो f जीरो प्लस h बराबर क्या आएगी जीरो प्लस h, इसी प्रकार इसमें रखेंगे, बात समझ में आई नहीं, जीरो प्लस h कैसे आया ये जीरो प्लस एच, ये फंक्शन से आएगा जीरो प्लस एच, अब जीरो माइनस एच करेंगे तो ये ऑलरेडी देखिए बाहर माइनस का है तो एक्स माइनस एच करेंगे इसको तो ये देखिए प्लस का बन जाएगा बाहर, किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, और एक्स की जगह हमने क्या रख दी लिमिट रख दी तो ये आ जाएगा जीरो माइनस एच, ये माइनस माइनस क्या बढ़ा देगा प्लस का एच, तो यहाँ पर रखेंगे जीरो माइनस एच की जगह प्लस का एच रखेंगे नीचे माइनस का एच है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का वन, तो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा ये एट x इक्वल्स टू जीरो पर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो हम कल बताएंगे आपको, और ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बता भी चुका हूँ, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।